मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिटर फाइटर चैनल हमारे जो आईटीआई से रिलेटेड या हमारे नौकरी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड हमारा जो चैनल है वो वीडियो के द्वारा समस्याओं को सुलझाता रहता है। इसलिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो बनाने वाले हैं हरिद्वार बीएचईएल का जो अपेंटिस का पेपर होने वाला है, उस पेपर के जो बच्चों की समस्याएं हैं, या कोई नए एग्जाम की तैयारी करते हैं या नए नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमारा एक क्वेश्चन है हरिद्वार बीएचईएल में अपेंटिस के होने वाले एग्जाम की समस्याओं के बारे में हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बच्चों के मन में आ रहा है कि भाई हम जब हरिद्वार बीएचईएल के अपेंटिस का 20 फरवरी को पेपर देंगे, तो इस 20 फरवरी के पेपर देने के लिए जाएंगे तो उसमें सबसे पहले ये हमारे मन में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इस एग्जाम में जो प्रवेश पत्र लेके जाएंगे वो कहाँ से आएगा और उस प्रवेश पत्र के साथ हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा ताकि हम उस एग्जाम को अच्छे से दे पाए। तो देखिए, जो आपका एग्जाम होगा हरिद्वार बीएचईएल का 20 फरवरी को, उसमें आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा, यानी आपकी मेल आईडी पर उसकी लिंक आ जाएगी, आप उस मेल आईडी को डाउनलोड कर लेंगे। तो आपका एक प्रवेश पत्र हो गया, प्रवेश पत्र के साथ आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी, जब आपने फॉर्म भरा होगा आपको उस एक्नॉलेजमेंट की स्लिप को साथ में लेके जाना है, प्लस जो डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म भरते समय लगाए थे, आईटीआई का, टेंथ का, या जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ लेके जाना है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाई हमारा प्रवेश पत्र कहां से आएगा, तो ये मेल आईडी पर आएगा और उसके साथ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई जो अपेंटिस का पेपर होने वाला है हरिद्वार बीएचईएल का, उस अपेंटिस के पेपर में आएगा क्या, कितने नंबर का पेपर आएगा और उसमें क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको झांसी बीएचईएल में अपेंटिस का पेपर आया था उसके आधार पर, और भोपाल बीएचईएल के अपेंटिस का पेपर आया था उसके आधार पर, मैंने क्योंकि ये दोनों पेपर मैंने देखे हैं कि किस टाइप का पेपर अभी आ रहा है। तो जो हमारे बीएचईएल में जो अपेंटिस का पेपर होता है, उस अपेंटिस के पेपर का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई इस पेपर में क्या आएगा और हम इसको कैसे करेंगे। तो भाई इसका कोई भी ऐसा कोई रिटन सिलेबस नहीं होता है, मैं इसको झांसी बीएचईएल और भोपाल बीएचईएल के आधार पर बता रहा हूं कि किस टाइप का पेपर आ सकता है और कितने नंबर का आ सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जो दोनों पेपर हुए हैं बीएचईएल के अपेंटिस के, उसमें पूरे 50 नंबर का पेपर आएगा, और 50 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और 1 घंटे टाइम दिया जाएगा, यानी आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको 50 क्वेश्चन करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो अभी अप्रेंटिस में आ रहे हैं, तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया। अब 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो कहां से आएंगे, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि आप अप्रेंटिस में यदि सिलेक्शन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा भी भेल में अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आप फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, टर्नर थ्योरी, सभी के बेसिक क्वेश्चन है वो आप पढ़िए। जैसे आपका मान लिया आपने फिटर ट्रेड से अप्लाई किया है, तो आप फिटर ट्रेड के बेसिक क्वेश्चन पढ़िए। मैं अभी इसके एक दो एग्जांपल बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो अगला वीडियो बनाऊंगा। इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो इलेक्ट्रीशियन के बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टर्नर वालों ने भरा है, वेल्डर वालों ने भरा है, जिस ट्रेड से भरा है, आप अपने ट्रेड के बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिए ट्रेड थ्योरी के। लगभग पूरे 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आते हैं, और जो 5 से 10 क्वेश्चन रहे, जैसे झांसी बीएचईएल की मैं बात करूं तो झांसी बीएचईएल में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आए थे, मैंने आंखों से पेपर देखा है। भोपाल बीएचईएल में ट्रेड थ्योरी के भी आए थे, रीजनिंग के भी आए थे, जीके भी आए थे। तो अभी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इसमें ज्यादातर अधिकतर क्या आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो ये बिल्कुल 100% बात सही है कि आपका 50 नंबर का पेपर आएगा, 1 घंटे में पेपर आपको करना पड़ेगा, और उस 50 नंबर में पूरे के पूरे क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आने के चांस ज्यादा है। इसलिए आप ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन, जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, जो मैं चैप्टर की बात करूं तो जैसे हमारा सेफ्टी का चैप्टर है पहला, तो आग के बारे में आ सकता है, एक्सटिंग्विशर के बारे में आ सकता है, स्टील रूल के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में, बर्नियर कैलिपर के बारे में, तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड के बेसिक क्वेश्चन कुछ लिमिटेड रहते हैं, तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं अभी कल या परसों एक आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे उसी क्वेश्चन से लेके
मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ऑप्शनल क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पेपर बिल्कुल 100% बन जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, फिटर फाइटर के चैनल पर। मैं जरूर चैनल के जितने भी कमेंट आते हैं उन कमेंट को पढ़ता हूं, उनका जवाब देता हूं। और इस वीडियो को आपने देख लिया होगा तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूं, जो 50 नंबर का पेपर आएगा उसमें ट्रेड थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप ट्रेड थ्योरी को पढ़ लीजिए, नॉर्मल सी थोड़ी सी मैथ पढ़ लीजिए, तो उसी से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। आपने यदि ये चीजें पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों, मैं हमेशा आईटीआई या नौकरी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनके वीडियो बनाता रहता हूं, तो यदि आप नए हो तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक, आप सभी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी आप आईटीआई करे हो, फिर आप अभी अप्रेंटिस करोगे, अप्रेंटिस के बाद नौकरी का एग्जाम दोगे, तो उन्हीं सब के बारे में जो वीडियो मैं बनाता रहता हूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।